निर्माण का काम जारी है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं और उन्होंने ये चित्र साझा किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 6 दिसंबर को शौर्य दिवस है और मंदिर वहीं बनेगा से लेकर मंदिर वहीं बन रहा। मशहूर शायर, गीतकार और फिल्म लेखक जावेद अख्तर के महिलाओं पर दिए गए बयान पर मौलाना सैफ अब्बास ने एतराज जताते हुए निंदा की और कहा कि उनका यह बयान देश की तहजीब और परंपरा पर हमला है। ये इंतहाई अफसोसनाक बयान है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है, क्योंकि कुछ लोग हमारे मुल्क के अंदर इस तरीके से ऊल जलूल बयान देकर मीडिया में बने रहने की कोशिश करते हैं और उन्हीं में से भी ये एक साहब हैं जिन्होंने ये बयान दिया है। जो जावेद अख्तर साहब ने बयान दिया है उस बयान का तो मैं ये समझता हूं कि हमारी देश की महिलाओं को कड़ा विरोध करना चाहिए और उनसे बगैर माफी मंगवाए उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बयान के जरिए से हमारे देश की जो तहजीब है, हमारे देश की जो परंपरा है, उसके ऊपर हमला किया है। यूपी के बांदा जिले में 295 किलोमीटर सड़क गड्ढा मुक्त किए जाने का लक्ष्य रखा गया था और लक्ष्य के सापेक्ष 294 किलोमीटर सड़कें लोक निर्माण विभाग के कागजों में गड्ढा मुक्त भी हो चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सर यहाँ डेली एक्सीडेंट होता है, इधर आगे का गड्ढा नहीं बन रहा, आप बना देते हैं बस चले जाते हैं, आज इन एक्सीडेंट होते हैं। ये तस्वीर है बांदा लखनऊ बहराइच स्टेट हाईवे की। कागजों में गड्ढा मुक्त हो चुकी इस सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। मुख्यालय से लगी इस सड़क की जर्जर हालत के चलते आए दिन यहाँ पर जानलेवा दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने कागजों में सड़क को गड्ढा मुक्त दिखा दिया है। लेकिन बांदा बहराइच स्टेट हाईवे की दुर्दशा जस की तस बनी हुई है। इसी स्टेट हाईवे पर मुख्यालय से लगा हुआ बाईपास से फतेहपुर जाने वाला मार्ग भी बेहद जर्जर है। की सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। ग्रामीण हर रोज इन्हीं टूटी सड़कों से सफर करने को मजबूर है। थोड़ा बहुत खराब है, जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है। कैसी समस्याएं होती हैं आप लोगों को? रोड में ऊंचा नीचे खाली गड्ढे गुड्ढे का भी अचानक पड़ सकते हैं, जिसमें दुर्घटना हो सकती है। सर यहाँ डेली एक्सीडेंट होता है, इधर आगे का गड्ढा नहीं बन रहा, आप बना देते हैं बस चले जाते हैं, आज इन एक्सीडेंट होते हैं, आज इन गाड़ी लड़ती भिड़ती है। परेशानी होती है जिससे मरीजों को भी बहुत दिक्कत आ रही है, हमें वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बांदा में 295 किलोमीटर सड़क गड्ढा मुक्त किए जाने का लक्ष्य रखा गया था और लक्ष्य के सापेक्ष 294 किलोमीटर सड़कें लोक निर्माण विभाग के कागजों में गड्ढा मुक्त भी हो चुकी हैं। सड़कों की बदतर हालत को लेकर चित्रकूट धाम मंडल के मंडलायुक्त आरपी सिंह से सवाल किए गए तो उन्होंने सभी सड़कों के गड्ढा मुक्त होने की बात कही। 294 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त कर लिए हैं, इसमें बजट 355.62 लाख उनको मिला था, 3,55,62,000। सरकार से जो गड्ढा मुक्ति के अंतर्गत सड़कें थी वो लगभग कंप्लीट हो गई हैं। 31 दिसंबर तक यहाँ से लेकर फतेहपुर तक जितना भी गड्ढे हैं उसको हम ढंग से फिलअप कर लेंगे। हालांकि उन्होंने सड़कों के गड्ढा मुक्त होने की रिपोर्ट के खिलाफ शिकायत आने पर जांच और पीडब्ल्यूडी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। पीएम योगी ने प्रदेश भर की सड़कों को 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया था, जिसकी कागजी कार्रवाई में इस दावे को पूरा भी कर दिया गया, लेकिन गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे के बाद भी लोग हिचकोले खाते हुए हर रोज इन्हीं सड़कों से गुजर रहे हैं। बांदा से अखिलेश त्रिपाठी के साथ टीम न्यूज से। मेरठ के टीपी नगर में तेंदुए की एंट्री से दहशत बरकरार है। डरे सहमे लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। लोग दिन में ही अपने जरूरी काम से घर से बाहर निकलते हैं और शाम होते ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं। वहीं तेंदुआ रोजाना रात में शहर की गलियों में टहलता दिखाई दे रहा है। वहीं वन विभाग की टीम भी तेंदुए की तलाश में जुटी है।
तो शहर की गलियों में ये तेंदुआ टहलता हुआ नजर आ रहा है और वन विभाग की टीम हालांकि तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन लोग तेंदुए देखे जाने के बाद डरे सहमे नजर आ रहे हैं। सुबह 7:45 के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम से एक सूचना मिली कि रात में 2:30 बजे एक सीसीटीवी फुटेज में ज्वालानगर इलाके में एक वन्यजीव देखा गया है जिसकी लेपर्ड होने की संभावना जताई जा रही थी। तुरंत इस मौके टीम इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मेरठ रेंज की टीम मौके पर पहुंची है। वहां पर कॉम्बिंग और सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। अभी वहां पर कोई प्रेजेंस या मूवमेंट की खबर वहां से नहीं आ रही है। फिर भी हम लोग इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको देखा जा सकता है। SOP के माध्यम से हम लोग जो कर सकते हैं सर्चिंग एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन वो किया जा रहा है। माहौल तो बहुत खौफजदा है यहाँ पे और लोग बाग डर में रह रहे हैं फिलहाल। जब तक पकड़ा नहीं जाएगा जब तक तो मैं समझता हूँ कि दिक्कत रहेगी, तो प्रशासन को भी देखना चाहिए कि ना थोड़ा सा यहाँ दस्ता बढ़ाया जाए जो वन विभाग का है, जो यहाँ पे कोशिश करे कि ना चारों तरफ ढूंढ मचाए। उधम सिंह नगर के बाजपुर में अवैध खनन